डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। बड़े आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइन्स। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे बेटा, जो अल्काइन है इसमें कार्बन कार्बन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। हम उसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे अलग अलग मेथड के द्वारा। जैसे मान लीजिए हम करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो हम उसमें कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन है वो ऐड करवाएंगे, तो अपने को बेटा क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। तो अपने पास देखिए जो मेथड है, आप लेते हो सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ऐड क्या किया एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट और क्या करोगे, हीट। तो ये देखो बेटा, इस ट्रिपल बॉन्ड को हम दोनों में से किसी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। हम अगर इसको यहां शिफ्ट करें माइनस, और इस पे क्या आएगा प्लस। इसी प्रकार इन दोनों हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है इसको हम शिफ्ट कर दें इस हाइड्रोजन पे माइनस, यहां बेटा क्या हो गया प्लस। अब आप देख रहे हो भी ये जो प्लस है ये यहां देखो माइनस वाला इसके साथ अटैक करेगा, जबकि ये इस पे जाएगा क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, अगेन हम इसमें क्या ऐड करेंगे, कैटालिस्ट और हीट, किसकी प्रेजेंस में H2। तो देखो डबल बॉन्ड यहां जाएगा बेटा माइनस, ये क्या है प्लस, और आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक इसके साथ, तो क्या बना कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, यहां बेटे अपनी होगी तीन हाइड्रोजन सेम इसी तरह से इस पे, तो ये क्या बन गया इथेन। तो रिडक्शन कर दी हमने अल्काइन की इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो देखिए अपने पास जो बेटा ये रिएक्शंस होती हैं ये हम टू टाइप से कर सकते हैं, इनमें टू टाइप्स के हम जो है जो सॉल्यूशंस हैं वो यूज करेंगे रिएजेंट। तो एक रिएजेंट तो देखिए बेटा क्या होता है, लिंडलार कैटालिस्ट, और एक बेटा क्या होता है सोडियम मेटल का यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो जो रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में बेटा होगी दैट इज लिंडलार कैटालिस्ट, वो तो क्या होती है कंट्रोल्ड, जबकि इसकी प्रेजेंस में जो होगी वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। तो अपने पास रिएक्शन जब तुम करोगे कंट्रोल्ड तो आप देखोगे भी अपने पास बेटा मॉलिक्यूल दे रखे हैं, जैसे आपको क्या दिया भी अपने को दिया उसने ब्यूट टू आइन CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH3 नाम है बेटा इसका ब्यूट टू आइन, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेटे हम ऐड कर रहे हैं कैटालिस्ट, कौन सा लिंडलार, दैट इज ये क्या कहलाएगी कंट्रोल्ड कहलाएगी। तो आप देखेंगे जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे डबल बॉन्ड बेटा इधर शिफ्ट होगा माइनस प्लस, तो एक एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगी, यह बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3H। तो आप देख रहे हैं बेटे ये क्या बना सिस बना, क्या बना सिस, और नाम क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4 सिस ब्यूट टू इन, किसकी प्रेजेंस में बेटे लिंडलार। और अगर आप क्या यूज करोगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो बेटा वो सिस की बजाय हमें क्या देगा ट्रांसजिमेट्री देगा, क्या देगा ट्रांसजिमेट्री देगा, इस चीज का आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास की थी रिएक्शन, उसमें अपने पास जो बनेगा CH3 सी डबल बॉन्ड सी, ये CH3 और ये बेटे हाइड्रोजन, तो आपके पास इसका नाम क्या है ट्रांस ब्यूट टू इन, तो ये चीज के अंदर बेटे बनेगी। ठीक है, तो ये अपने क्या थी कंट्रोल्ड रिएक्शन वाली थी बेटे, जिसमें हम क्या करते हैं करवाते हैं रिएक्शन। सेम वे में हम बेटा क्या कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं अल्काइन की। तो इसमें आप देखोगे कि हमने ऑक्सीजन ऐड करवानी है, कौन सी है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। आपको पता है बेटा भी जब हम किसी चीज को बर्न करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न होती है, आपको दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया O2
मतलब हमने ऑक्सीडेशन डाली बेटे, तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो बेटा ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, और लार्ज अमाउंट में जो हीट है वो क्या आएगी, बाहर आएगी। कितने? 1300 किलो जूल पर मोल। तो देखिए इसको बैलेंस कर लोगे आप रिएक्शन को, तो आप मेन देख रहे हैं भी ये दो प्रोडक्ट बने और लार्ज अमाउंट में बेटा यहां से हीट निकलेगी। इसी तरह से मान के चलते हैं अपने पास बेटा क्या है, ब्यूट टू आइन है, उसकी तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इथे ब्यूटेन 2,3-1 के अंदर। अपने पास क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 टू ऑक्सीजन, इसमें तुम ऐड करके 300 केल्विन पे इसको हीट करोगे तो बेटा ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो 1, 2, 3, 4 तो अपने पास क्या है, ब्यूट, ठीक है जी, क्या हो गया, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है N और 2,3-1, ये क्या नाम होएगा बेटा, देखो ये 2 पे है और 3 पे है, 4 थे ब्यूटेन 2,3-1, ये इसका नाम बनेगा। इसी प्रकार से और भी हमारे पास बेटे एग्जांपल्स हैं, एक जो मेन है ऑक्सीडेशन विद ओजोन, हमने ओजोन की बेटे ऑक्सीडेशन कर दी है, तो याद देखिए जो अल्काइन्स है उनको आप रिएक्ट करोगे ओजोन के साथ तो बेटा वो पहले क्या बनाएगा, ओजोनाइट बनाएगा, और फिर हम उसमें क्या करेंगे, जिंक डस्ट डालेंगे, तो अपने बाद जब जिंक डस्ट डालेंगे जिंक ऑक्साइड अलग होगा तो बेटे इथेन डाई अल बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, इथेन डाई अल। देखो रिएक्शन है आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या डाल दिया, ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये बनाएगा बेटा ओ सी एच सी एच ओ, और ये इसको कहा जाता है ओजोनाइट, क्या कहेंगे, ओजोनाइट। जबकि ये दो कार्बन है इसके साथ हम क्या नाम दे रहे हैं, इथाइन ओजोनाइड। अब हम देखेंगे बेटा इसकी करेंगे क्लीवेज किसकी प्रेजेंस में, जिंक और वाटर, तो देखो ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, तो ये जिंक तो बेटा ऑक्सीजन ले लेगा माइनस जेड एन ओ, जबकि ये क्या रह गया HCO, ठीक है, और जब ये यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये लेके जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का डबल बॉन्ड, इसी तरह यहां तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O, इसी तरह से बेटे अपने पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और ये H, दो मोलिकूल। इसका जो नाम है, दो कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड है N, परंतु एल्डिहाइड है डाई अल, इसको अपन नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, डाई अल का। इसी तरह आपके पास प्रोपाइन है, ब्यूट टू आइन है, उनकी बेटे अगर ओजोनोलिसिस की जाए तो वो भी पहले ओजोनाइट बनाते हैं, आफ्टर दैट हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो वो बनाएगा ब्यूटेन 2,3-1, इसी तरह से वो रिएक्शन। अब बात करते हैं बेटे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन है, जैसे हमने पहले किया था बेटा इथीन से हमने पोलोथीन बनाई थी, उसी प्रकार से यहाँ रिएक्शन टेक प्लेस करती है। इसमें क्या होगा भी, जो हमारे पास ये रिएक्शन है ये बेटा जो कुप्रस क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड उसकी प्रेजेंस में होती है। तो आप मान के चलो आपने इथाइन लिया और इथाइन में तुमने क्या है, दो मॉलिक्यूल ले लिए क्योंकि हमने मोनोमर लेने हैं, तो दो मोनोमर है उनको आपस में कंबाइन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कुप्रस क्लोराइड, तो कैसे होगा, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम बेटा ऐड क्या कर रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ऐड कर रहे हो, ये हम ऐड करवा रहे हैं कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। देखो यहां से बेटा क्या होगा, ये जो आपके पास कार्बन है ये हाइड्रोजन छोड़ देगा, ठीक है, मतलब ये दो बॉन्ड मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, क्या आ गया माइनस, या क्या आ गया प्लस, और ये जो है मैंने यहां शिफ्ट किया माइनस, ये बेटा अपने पास क्या आ गया, नहीं इसको बेटे इधर शिफ्ट करेंगे हम, तो इसको यहां शिफ्ट करेंगे माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, और ये माइनस का ये प्लस का, तो देखो ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ जुड़ेगी, जबकि ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, देखो ये हाइड्रोजन यहां पे गई तो क्या बन गया CH2, ये क्या रह गया C डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या बेटा CH ये था, और ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, C के साथ,
अब ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सी एच, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है विनाइल एसीटाइलीन। क्या नाम देंगे, विनाइल एसीटाइलीन, ठीक है। टू मोनोमर्स लिए, उससे ये बन गया। इसी तरह मान लो आप ये विनाइल एसीटाइलीन लेते हो और इसमें दोबारा फिर से क्या करते हो, इथाइन ऐड करते हो, तो ये बेटा और बड़ी हो जाएगी जो हमारी चेन है। तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ऐसे एक एग्जांपल होता है भी, हम अगर इस विनाइल एसीटाइलीन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें, क्या डाल दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl ऐड कर देते हो, तो क्लोरीन पे माइनस है, हाइड्रोजन पे बेटे क्या होता है, प्लस। तो देखो अब यहां बेटे हम क्या लगाएंगे, यहां लगाया जाएगा मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल देखो कैसे लगेगा, उसमें हमने ये पढ़ा था भी जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पे जाता है जिसके ऊपर क्या है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस ये वाला कार्बन। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम यहां शिफ्ट कर देंगे माइनस, ये प्लस। तो देखो ये क्लोरीन किस पे अटैक करेगी, इसके ऊपर, जबकि हाइड्रोजन यहां जाएगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सी इसके साथ CL डबल बॉन्ड CH2। तो ये बेटा क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लोरोप्रीन, ठीक है। अब इस क्लोरोप्रीन से हम क्या बनाएंगे, नियोप्रीन, इसकी की जाएगी पॉलीमराइजेशन। तो देखो आपको पता ही है ये इलेक्ट्रॉन जाता है इधर हाफ एरो से, ये इसके पास, ये बेटा जाएगा यहां, ये इसके, और देखो ये और ये आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, जबकि इधर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो देखो ये बनेगा CH2 सिंगल, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्या, CL, और ये बेटे हम यहां N लगा देंगे क्योंकि पॉलीमर बना रहे हैं। तो ये पॉलीमर बन गया, इसका जो नाम है वो है नियोप्रीन। आपसे क्वेश्चन आ सकता है ये भी व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, तो मोनोमर क्या है नियोप्रीन का, क्लोरोप्रीन है। आपसे यह पूछा जा सकता है भी स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए किसका, क्लोरोप्रीन का, तो ये आपको जो स्ट्रक्चर है ना क्लोरोप्रीन, ये वाली ये बनानी पड़ेगी आपको स्ट्रक्चर क्लोरोप्रीन। इसी तरह अपने पास बेटा रिएक्शन भी, अगर हम इन हॉट आयरन ट्यूब करते हैं रिएक्शन, तो हॉट आयरन ट्यूब में देखो कैसे होगा, आप बेटा तीन मोलिकूल ले लो, किसके, इथाइन के, इनको आपस में जोड़ सकते हैं। देखो ये हमने कहां पे लिया, इसका नाम क्या बेटा, एसीटाइलीन, किसमें लिया आपने, हॉट आयरन ट्यूब के अंदर, किसमें, हॉट आयरन ट्यूब के अंदर। तो आप देखो ये यहां जाएगा, तो ये माइनस, ये प्लस, अब ये यहां आएगा माइनस, ये क्या हो गया बेटा, प्लस, ये यहां जाएगा माइनस, इस पे क्या हो गया, प्लस। तो देखो ये आपस में जुड़ सकते हैं, ये जुड़ सकते हैं और ये भी जुड़ सकते हैं, तो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी अपनी, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है भी ये बेंजीन आपने लेनी है, इसके साथ और भी मॉलिक्यूल जुड़े हो सकते हैं बेटे, जैसे अपने पास क्या है, अपने पास है CH3, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है CH के साथ, इसी तरह से क्या है CH, ये ट्रिपल बॉन्ड C इसके साथ CH3, ये क्या बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब तुम क्या करोगे, शिफ्ट करोगे बेटे इन बॉन्ड को, तो अपने बाद को ये यहां आएगा माइनस प्लस, ठीक है। फिर ये कहां जाएगा, इस पे माइनस प्लस, ये जाएगा इस पे माइनस प्लस, और देखो ये आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे, तो जो अपने पास बेंजीन रिंग होती है वो तो आप लोगों को पता ही है, ये होगी बेंजीन रिंग, बट इस पे क्या आ गया CH3, इस पे क्या आ गया CH3, इस पे क्या आ गया CH3, नाम क्या हो गया 1 2 3 4 5 1 3 5 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, क्या नाम देंगे, बेंजीन। इसी तरह बेटे हम जो अपने पास चार हैं उनको जोड़ के साइक्लो ऑक्टाटेट्रिन बना सकते हैं, ठीक है जी। फिर देखो आ जाता है बेटा नेचर, नेचर की बात की जाए अगर, तो नेचर में देखो आप क्या देखोगे भी, जो ये अल्काइन है ये बेटे एसिडिक नेचर के होते हैं, कैसे हैं, एसिडिक नेचर, आप बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन्स।
इसमें देखो आपको पता ही है बेटे एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहां देखो ये जब यहां शिफ्ट होगा नेगेटिव और ये एच प्लस हो गया देखो, तो हम ऐड क्या कर रहे हैं सोडियम, सोडियम इस एच की जगह जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए, ये प्लस का ये किसका हो गया माइनस का, और जबकि हाफ एच टू बारह इसका नाम क्या है सोडियम एसीटिलाइट, क्या नाम है सोडियम एसीटिलाइट। तो इस तरह से बेटे हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट, आगे अगर आप इसमें फिर से क्या करोगे सोडियम डालोगे, यह हाइड्रोजन भी बेटा यहां से रिमूव हो सकती है, एक सोडियम और आ जाएगा, प्रोपाइन है ब्यूटाइन है उनके अंदर भी आप इसी तरह से रिएक्शन करवाओगे। तो देखिए अपने को यह पता है भी जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो एस करेक्टर बेटे होता है 25%, जब डबल बॉन्ड है तो एस करेक्टर कितना है 33%, और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटे कितना होता है 50% करेक्टर होता है, और यही बात अपने को बताई गई, ये भी ड्यू टू द लार्ज एस करेक्टर दैट इज 50% दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और जो अपने पास बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है कार्बन और हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड वो डिस्प्लेस हो जाएगा किसकी तरफ कार्बन एटम, और रिलीज करेगा हाइड्रोजन। तो मैंने ऊपर देखो क्या किया यही दिखाया भी ये हमारे पास क्या था, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया तो ये नेगेटिव हो गया एच प्लस यहां से बाहर चला गया। तो एक बेटा वैल्यूज होती है, एक वैल्यू होती है के ए वैल्यू, जिसको क्या कहते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वैल्यू, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ना जितनी ज्यादा होगी लार्जर द के ए वैल्यू मोर विल बी द एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर क्या होगा बेटा ज्यादा होगा। तो हम लोग देख सकते हैं भी ये जो बेटा ट्रिपल बॉन्ड है आप देख रहे हैं के की वैल्यू 10^-26 है, यहां 10^-36 है और इस केस में 10^-42 है। तो सबसे कम किसकी है इसकी, सबसे ज्यादा बेटा देखो ट्रिपल बॉन्ड में है और एस करेक्टर भी पढ़ा हमने इसका सबसे ज्यादा होता है तो ये क्या होगा मोर एसिडिक। तो ये चीज इसमें अपने को दी गई थी। इसके बाद बेटे और भी डिफरेंट रिएक्शन है सोडामाइड के साथ अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ एटसेट्रा। अब आ जाता है लास्ट बेटे यूजेस ऑफ अल्काइन्स, यूजेस ऑफ अल्काइन्स। तो जो यूजेस ऑफ अल्काइन है बेटा इसमें देखो भी जो अल्काइन है इसका इस्तेमाल जो बेटा गैस वेल्डिंग है उसमें किया जाता है एज ए ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। नंबर टू एसिटाइलिन का इस्तेमाल बेटा जो होकर्स लैंप है उनको इल्यूमिनेट करने के लिए किया जाता है, जो कच्चे फल है बेटा उनको पकाने के लिए भी जो एसिटाइलिन है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लास्ट है भी जो हमने किया था कल वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसोल वो दोनों बेटा जो है क्लोरो डेरिवेटिव होते हैं एसिटाइलिन के, जिनको यूजफुल माना जाता है सॉल्वेंट के रूप में, वो बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।